फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एसडीएलसी एंड एसडीएलसी। एसडीएलसी स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड एसडीएलसी स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं। एसडीएलसी में हम मेनली फोकस करते हैं एक सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप होगा, उसके फेसेस को, उसकी साइकिल को स्टडी करते हैं। वेयरएस एसडीएलसी इज द part of SDLC, it is a part of SDLC in which we deals with the testing of software. एक सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट करेंगे, उसके साइकिल पे या उसके फेसेस पे हम ध्यान देते हैं। अब दोनों में क्या रिलेशनशिप है? तो जो SDLC है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, इज द पेरेंट ऑफ SDLC, whereas the SDLC is the child of SDLC. ठीक है, तो SDLC के एक फेसेस, मल्टीपल फेजेस के अंदर एक फेज आता है टेस्टिंग फेज। वहां पे हम SDLC की लाइफ साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो SDLC इज द पेरेंट एंड SDLC इज द चाइल्ड। अब मेन फोकस या गोल क्या है SDLC का? एक सॉफ्टवेयर को किस तरीके से हम डेवलप करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे एक पूरे सॉफ्टवेयर को या एक प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, जब तब उसके डेवलपमेंट प्रोसेस को किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, ये हमें कहाँ समझ में आता है? SDLC में। ठीक है, whereas SDLC में हम उस सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट करेंगे, द टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, हाउ टू टेस्ट द स्मूथ टेस्टिंग, हाउ टू मेक एंड मैनेज द टेस्टिंग फेज स्मूथ, ये हम मेन फोकस करते हैं SDLC में। अब SDLC के पहले परफॉर्म होता है। अब जब हम फेसेस देखेंगे तो SDLC इज द सब पार्ट ऑफ SDLC। ठीक है, अब SDLC इज द पेरेंट, तो ऑब्वियसली बात है पहले इसको स्टार्ट करेंगे, देन उसके बीच में जब हमें टेस्टिंग का फेज आएगा वहां पे हम SDLC स्टार्ट करेंगे। तो ड्यूरिंग द टेस्ट फेज ऑफ SDLC, SDLC गॉट स्टार्टेड और परफॉर्म्ड। अब क्या क्या फेजेस हैं SDLC में? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के 6 फेजेस होते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस। जो 5th फेज है टेस्टिंग, वहां पे हमारी SDLC लाइफ साइकिल हम स्टार्ट करते हैं। अब SDLC के कितने फेज होते हैं? 5 फेज। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट डेवलपमेंट, एनवायरमेंट सेटअप और टेस्ट क्लोजर। ठीक है, तो ये 5 फेज हमारे टेस्ट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के हैं और 6 फेजेस होते हैं हमारे SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइए। सबसे पहले हम SDLC स्टार्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। डेवलप करते करते जब हमारा सॉफ्टवेयर एक डेवलपिंग कंडीशन में, डेवलप्ड कंडीशन में आ जाता है, तब हम उस पर टेस्टिंग अप्लाई करते हैं। तो पहले SDLC स्टार्ट होता है, देन SDLC स्टार्ट होता है। ठीक है, SDLC इज द पेरेंट एंड SDLC इज द चाइल्ड। द 5th फेज ऑफ SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो 5th फेज है, वहां पे हम टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। उस फेज में जैसे ही हम आते हैं वहां पे हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल को स्टार्ट करते हैं। अब SDLC कौन परफॉर्म करता है या इसके कौन कौन मेंबर्स रहते हैं? तो जो डेवलपर रहता है, डेवलपिंग डेवलपर्स टीम रहती है, वो SDLC परफॉर्म करती है। QA या टेस्टिंग या टेस्टर टीम्स जो रहती हैं, वो हमारी SDLC परफॉर्म करती है। आउटपुट क्या आता है? जब हमारा SDLC कंप्लीट होगा, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक हमारी कंप्लीट होगी, तो हमारे पास एक रियूजेबल सॉफ्टवेयर सिस्टम बन के रेडी होगा या एक प्रोडक्ट बन के रेडी होगा। जैसे ही हमारी SDLC सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, तो हमारे पास एक टेस्टेड सॉफ्टवेयर रेडी होगा। ठीक है, जो हम चाह रहे थे वही सॉफ्टवेयर बन के रेडी हुआ है। द एक्सपेक्टेड और द एक्चुअल रिजल्ट हमारे पास रहेंगे, तो ये दोनों के आउटपुट है। अब कंफ्यूज मत होइए फ्रेंड्स, SDLC और SDLC को हमने डिटेल में समझ लिया है। एग्जाम में अगर 7 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप इतना लिखेंगे तो मोर देन सफिशियंट रहेगा। तो अगर आपको SDLC और SDLC को डिटेल में पढ़ना है तो मैं लिंक ऊपर मेंशन कर देती हूँ। आप अलग अलग वीडियोस में जाके SDLC और SDLC के फेसेस को डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज प्रेस बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। थैंक यू।